आज हम जिस मन्नी परी के बर्थडे में आए यही है। अरे यही है क्या? हाँ जी, तो चल हैप्पी बर्थडे विश कर लेते हैं। हाँ तुम गाना गाते हो? हाँ सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तिशा। अरे तिशा जल्दी करो, मतलब तुझे देखेगी तो मतलब हंसना स्टार्ट कर देगी। अच्छा आप सब लोग आते हैं, एक नया मूवी आया है आज कड़े। नया मूवी आया है? कौन सा वाला? नहीं तुमने नाम सुना है कि नहीं? कौन सा वाला? वो तो बोल। वही आया है। हाँ वो ट्रेंडिंग वाला एनिमल क्या? हाँ वही एनिमल, वो कल देख के आया हॉल में जाके। हॉल में जाके तू एनिमल मूवी देख के आया? मतलब बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। मतलब क्या लगता है तुझे? लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि तू हॉल में नहीं गया? नहीं नहीं हॉल में गया था। अच्छा ये बता कि अगर तू हॉल में गया है और एनिमल मूवी देखा है, ठीक है, तो ये बता कि उसमें हीरो हीरोइन कौन है? तो तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं है क्या? हाँ हाँ बोल बोल बोल, हीरो हीरोइन कौन है बोल। अरे उसे अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और रानी मुखर्जी। अबे वो एनिमल मूवी नहीं, वो जानवर मूवी है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ एनिमल जानवर दोनों अलग अलग होते हैं। कैसा लग रहा है? आ जाओ जल्दी आओ। हेलो ऋषा, एक अंधेरी पूनम के रात में जंगल से मतलब अपने घर जा रहा था, अचानक से मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई है। अचानक से तूने देखा तेरे पीछे कोई है? फिर मैंने ध्यान दिया तो कोई मुझे हिला रहा था। कोई तुझे बुला रहा था? मतलब कैसे बुला रहा था? मियाँ मियाँ बुला रहा था। तो मैंने घूम के देखा तो एक बिल्ली थी। उनके देखा एक बिल्ली थी। वाह वाह वाह, काफी मतलब डरावना कहानी लग रहा है। हाँ ये बोलो ना, अंधेरी पूनम की रात थी। अंधेरी पूनम की रात थी, ठीक है। फिर थोड़ी आगे गया, फिर थोड़ी आगे गया, फिर अचानक से तेरे पीछे कोई आके खड़ा हुआ। देख कितना कम बजट है, बैकग्राउंड म्यूजिक खुद कोई देना पड़ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक दे दे, मतलब फैमिली फंक्शन क्या करा गया। फिर अचानक से देखा कोई मेरे पीछे आके खड़ा हुआ। अचानक से देखा कि एक लौंडी आके खड़ी हुई। लौंडी खड़ी हुई, वाह 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 वाह। उसने पत्ते चल रहा था, चप्पड़ 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 चप्पड़। तो क्यों हार दे रहा है? नहीं नहीं ऐसे ही मतलब दे रहा था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है ना, तो मैं मतलब पूरा कर रहा था। हाँ ठीक है। फिर अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और बुलाया, काओ काओ। लोमड़ी काओ का बोला? अरे तू ध्यान तो दे। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर लोमड़ी आगे निकल गया। फिर थोड़ी देर और चला तो अचानक से एक कुत्ता मेरे सामने आया। कुत्ता आके रुका और बुलाने लगा, भेजू भेजू। फिर थोड़ी देर और आगे गया, जैसे कि अंधेरी पूनम की रात थी, तो एक काला घोड़ा सफेद रंग का आया था मेरे सामने। क्या बोल रही है? हाँ काला घोड़ा सफेद रंग का मेरे सामने आया और आके अपने मालिक को बुलाया। आके अपने मालिक को बुलाया? अरे एक रानी जी दो, अरे
कैसा कहानी है? मतलब पूनम की रात में अंधेरी रास्ते पे तू चल रहा था और फिर घोड़ा काव काव कर रहा है, बिल्ली मियाओ मियाओ कर रही है। तो यही मतलब कहानी है, मतलब है क्या? फिर सुन। हाँ फिर बोल, फिर बोल। हाँ जी, अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है। मामा जी का पूछा जा रहा है। बात तो सही बोला तुमने। फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ, तुझे बोलना है ना, कहानी तू सुना रहे तो तू ही बोलेगा ना फिर क्या हुआ। एक दौर से घर में गया, जंगल में जाके उल्टा पेड़ में लटक गया, मतलब क्या बोल रहे? यही तो कहानी है। अच्छा मतलब कहानी ये है, तू मतलब उल्टा पुल्टा ये सब बोल रहे, मतलब तुझे क्या लगता है लोग यहाँ पे क्या मतलब कुछ समझते नहीं है? नहीं, नहीं, मैं तो समझता मतलब। अच्छा तू ये बता कि इस कहानी से मतलब सीख क्या मिला तुझे? तू कहानी तो बता दिया सबको, राइटर है ना वो समझ लेंगे। वो तो ठीक है, मतलब मामा जी राइटर है वो समझ लेंगे, लेकिन सीख मिला क्या उनको भी जानना है, आपको जानना है कि नहीं कि सीख क्या मिला? इससे यही सीख मिला कि हर कहानी सच्चाई नहीं होती, सच आधारित नहीं होती। अच्छा हर कहानी सच्चाई पे आधारित नहीं होता, हाँ वो तो समझ लिया मतलब। और दूसरा सीख क्या जानते हैं, क्या कहानी सुन रही है?